नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों के सामने एक वशीकरण मंत्र का प्रयोग, विधि और इसके सिद्ध करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हर परिवार में किसी न किसी कारण आपस में पति पत्नी में मतभेद, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतफहमी की वजह से आपस में मनमुटाव जैसी स्थिति बन जाती है। यहाँ तक कि आपका तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपकी आवश्यकता के हिसाब से आज मैं आप लोगों के सामने एक लौंग वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसको आप स्वयं से प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बशर्ते सावधानी पूर्वक करें, अनावश्यक इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसका जो पाप है वो आपको लगेगा। अगर आप किसी पुण्य काम के लिए लगाते हैं तो इसमें पुण्य की जो प्राप्ति होगी वो आपको होगी। तो इसलिए इस विद्या का प्रयोग सोच समझ के करें, और अगर आप गलत नियत से, गलत धारणा से इस विद्या का प्रयोग करते हैं तो ये है सफल भी नहीं होगी, क्योंकि जिस शक्ति की आराधना आप कर रहे हैं, जिसका आवाहन कर रहे हैं, उसे भी पता है कि आप इस विद्या का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अगर आपके दिल में खोट है, छल है, कपट है, तो आपसे ये विद्या सिद्ध नहीं होने वाली। आप बेमतलब अपना कीमती समय खराब ना करें। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले मंत्र बताता हूँ, आप लोग मंत्र को नोट करें। अब मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आप लोगों को मंत्र ये लिख करके देता हूँ स्क्रीन पे भी, ताकि आप लोग इसे नोट कर सके। मंत्र है, ओम नमः आदेश गुरु का, लौंग लौंग तू मेरा भाई, तुम्हारी शक्ति चलाई, पहली लौंग राती बाती, दूजी लौंग जीवन माती, तीजी लौंग अंग में राखे, चौथी लौंग दुई के जोड़े, चारों लौंग मेरी खाए। अमुक, जहाँ पे अमुक शब्द आता है किसी भी मंत्र में, वहाँ पे आप जिस पे प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम लेंगे। झट मेरे पास आए, जहाँ पे अमुक शब्द है वहाँ पर आप उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद झट मेरे पास आए, आदेश देवी कामरू कामख्या की दुहाई फिरे। यह एक साबर मंत्र है। इस मंत्र में जैसे भी अटपटे शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप उन अटपटे शब्दों का प्रयोग करें, शब्दों को सुधारने नहीं। साबर मंत्र अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रामीण भाषा में मंत्र होते हैं। तो ये मंत्र आप पहले कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के बाद आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जो मंत्र आपको दिया गया है, इस मंत्र से आप चार लौंगों को 7 बार अभिमंत्रित करेंगे। कितने बार? 7 बार। 4 लौंग को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। जिस किसी व्यक्ति को आपको खिलाना है, अपनी ओर आकर्षित करना है, आप उसमें उसका, जहाँ पे अमुक शब्द आया है उसमें उसका नाम लेंगे, नाम लेंगे। और यह क्रिया आप नित्य 21 दिनों तक करेंगे। यह क्रिया आप नित्य 21 दिनों तक करेंगे, और 21 दिन जब आप करेंगे तो आपका जो चिराग है, इस पर एक दीपक का प्रयोग होगा, धूप बत्ती होगी, धूप बत्ती नहीं तो अगरबत्ती कर सकते हैं, दिशा आप जो है उत्तर की रख सकते हैं या पूरब की रख सकते हैं, और चिराग जो है अखंड ज्योत 21 दिनों तक जलनी चाहिए। आपको बुझाना नहीं है, जो आपका चिराग है उसकी बत्ती बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप 21 दिनों तक नित्य चलें, और ये जो चिराग होगा ये सरसों के तेल का होगा, और आप जो है मंत्र को नित्य जो है 7 बार पढ़ेंगे। अगर आप इसमें और पावर चाहते हैं तो आप इसे 21 बार पढ़ सकते हैं, मंत्र को नित्य 21 बार पढ़ सकते हैं अपने आसन पर बैठ करके। आपके पास जो भी आसन उपलब्ध है, माला उपलब्ध है, उससे कर सकते हैं, या उंगली पे कर सकते हैं। गुरु मंत्र आपके पास अगर है
तो आप गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र नहीं है कोई बात नहीं है, अपने इष्ट को नमन करें और अपने मंत्र का जाप करें, और जब 21 दिन ये क्रिया पूरी हो जाए तो उस लौंग को जिस किसी व्यक्ति को खिलाना है जिसका आपने नाम लेकर के अभिमंत्रित किया है उसे आप खिला दीजिए, उसका देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा, वशीभूत होगा। बस आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि आप लोग इसका प्रयोग जो है गलत जगह न करें, यानी जहाँ पे आपकी आवश्यकता है वहाँ इसको कर सकते हैं। यह प्रयोग महिला अपने पुरुष पे भी कर सकती है, पुरुष अपने महिला पे भी कर सकता है, लेकिन बेमतलब इसका प्रयोग ना करें, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि हमने पूर्व के वीडियो में बता रखा है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और भविष्य में वशीकरण के काटने का मैं विधि भी बताऊँगा कि आप अगर वशीकरण विद्या का प्रयोग करते हैं तो उसे बाद में कैसे निष्क्रिय करें, तो इस पर भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप लोग आज लौंग का वशीकरण लौंग के माध्यम से करने का आपने मंत्र और विधान सुना, तो नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए आप सभी को मंगल का